गुड मॉर्निंग, मैं मुकेश सर। तो आज हम आप लोगों का फोटोशॉप में प्रिंटर के जरिए डॉक्यूमेंट स्कैन कैसे करते हैं और स्कैन डॉक्यूमेंट का साइज कितना में रखेंगे, ये सारा हम आपको बताएंगे। यदि मेरा वीडियो आपको समझ में आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए, हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और प्रिंटर के साथ हमें स्कैन करना। तो आप इस वीडियो का शुरू से लास्ट तक देखें। देखिए, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, तो ये डॉक्यूमेंट स्कैन किया गया है। आइए हम इसी डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन करते हैं आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। देखिए, ये मेरा पैन कार्ड का फॉर्म का डॉक्यूमेंट है। हम इसको कितना साइज में सेटिंग करेंगे और कैसे कंप्यूटर और प्रिंटर के माध्यम से स्कैन करते हैं, तो आइए हम आपको प्रिंटर पर ले चलते हैं। ये मेरा प्रिंटर 319 है, अब इसके द्वारा हम स्कैन करेंगे। तो आप इसको, यह स्कैनर है और इस फॉर्म को आप स्कैनर पर सेट कर दीजिए, ठीक है, और इसको ढक्कन को डाउन कर दीजिए। देखिए, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, तो आपको कहाँ जाना होगा, फाइल मेनू में जाना होगा, ठीक है। तो फाइल मेनू में जाइए और इम्पोर्ट पर क्लिक करना होगा। अब देखना है, इसमें HP इंक टैंक 310 दिया हुआ। यदि आपके पास एप्सन का प्रिंटर है तो एप्सन ले लेना, सेलेक्ट करना होगा। तो मेरे पास HP 319 था, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करेंगे तो एक बॉक्स खुलता है, देखिए ये बॉक्स खुला। अब हमको ग्रे स्केल में करना है या कलर में, तो चलिए हम डॉक्यूमेंट को कलर में करना होगा, तो यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम पेज का जो स्कैन करते हैं साइज सेलेक्ट कर लेंगे A4। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ स्कैन दिया हुआ है, स्कैन पर क्लिक कर देना होगा। देखिए आपको स्कैन कर रहा है। तो दोस्तों, हम ऐसे डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। देखिए, मेरा डॉक्यूमेंट जो है स्कैन हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, आपको डाउन करना होगा। यस, देखिए ये मेरा पेज स्कैन हो गया। अब इस फाइल जो पेज है, यह जो पेज है हमको 1 MB में चाहिए, तो हम इस साइज को 1 MB कैसे में बनाएंगे। फाइल मेनू में जाना होगा, फाइल मेनू पर क्लिक कीजिए और सेव फॉर वेब एंड डिवाइस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिए, देखिए यह यहाँ पर आ गया। तो ध्यान दीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है आपको किस में सेव करना है। जैसे देखिए, यहाँ पर बता रहा है GIF में, JPG में, PNG में, तो हमको JPG में सेव करना है, तो JPG पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर JPG है ना, JPG पर क्लिक कीजिए और इमेज साइज पर चले जाना होगा। देखिए इमेज साइज पर क्लिक कीजिए, साइज कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो साइज है आपको बता रहा है कि 916 KB में है। हमको साइज़ को ज़्यादा करना होगा 1 MB में, तो यहाँ से साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम रख देते हैं 1900 पिक्सल में, ध्यान दीजिए। देखिए 1900 पिक्सल में लिख दिए और यहाँ पर क्या कर देना होगा, अप्लाई पर क्लिक कर देना होगा। जस्ट अप्लाई करते हैं तो 1014 KB में हो गया ना मेरा। देखिए यहाँ पर तो आप 1024 KB इक्वल टू 1 MB होता है, आपको तो ये समझ में आ रहा होगा ना। अब यहाँ पर क्या करना होगा, सेव पर क्लिक कर दीजिएगा और आपको जहाँ भी फाइल को सेव करना होगा, यहाँ पर MM फाइल को नाम रख देते हैं और सेव पर क्लिक कर देते हैं। देखिए मेरा फाइल सेव हो गया। तो ऐसे करके हम अपना किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और उसका साइज को कम या ज़्यादा कर सेव कर सकते हैं। तो यदि मेरा आपको वीडियो समझ में आता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।